आखिर क्यों है इतनी उत्सुकता लोगों में KGF के दूसरे चैप्टर को लेकर? संजय दत्त का नाम अधीरा के लिए किसने सुझाया और यश का कौन सा सपना होने जा रहा है पूरा? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज में। आज हम बात कर रहे हैं साउथ की उस फिल्म के बारे में जिसने कमाई और एक्शन के अलग रिकॉर्ड कायम किए हैं और उसके दूसरे पार्ट से लोगों को खास ही उम्मीद है। जी हाँ, हम KGF चैप्टर 2 की बात करेंगे, लेकिन KGF चैप्टर 2 में ऐसा क्या नया है जिसने लोगों को इतना रोमांचक कर रखा है? तो आपको बता दें कि वो कोई और नहीं बल्कि उसमें अब की बार दिखने वाले विलन का रोल है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिल्म में विलन का रोल कोई और नहीं बल्कि खुद संजय दत्त करने वाले हैं, जिनके पहले लुक ने सबको हैरान परेशान कर दिया था। आपको बता दें कि KGF चैप्टर 1 ब्लॉकबस्टर रही थी और इसके तुरंत बाद ही इसके सीक्वल की तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी। इस फिल्म के लिए फैंस की उत्सुकता तब और दुगना हो गई जब फिल्म से अधीरा के रोल में एक्टर संजय दत्त का लुक आउट हुआ। फैंस को संजय का ये लुक इतना भाया कि फिल्म के लिए इंतजार करना और भी मुश्किल हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए संजय दत्त का नाम किसने सुझाया था? तो ये थे इस फिल्म के लीड हीरो यानी कि यश। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यश संजय दत्त के बहुत बड़े फैन हैं और वे उनकी फिल्में देखकर ही बड़े हुए हैं। फिल्म के पहले पार्ट यानी KGF चैप्टर 1 में कोई एक खास विलेन नहीं था, लेकिन जब फिल्म के दूसरे पार्ट की बात हुई और स्क्रिप्ट फाइनल हुई तो यश ने पूरी कोशिश की कि इसके लिए संजय दत्त को साइन कर लिया जाए। उन्हें पूरा यकीन था कि संजय अधीरा के किरदार को बखूबी निभाएंगे और उससे न्याय भी करेंगे। हालांकि यश इस बात का इंतजार कर रहे थे कि संजय दत्त इस रोल को स्वीकार कर ले। जब संजय ने इसके लिए हामी भर दी तो यश की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आखिर उनका संजय के साथ काम करने का सपना जो पूरा हो रहा था। KGF चैप्टर 2 30 जुलाई 2021 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। अब इसकी नई रिलीज डेट क्या होगी ये हम आपको जल्द ही बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये फिल्म कन्नड़ा भाषा में बन रही है, लेकिन इसे हिंदी, तमिल और तेलुगु में डब करके रिलीज किया जाएगा। फिल्म में यश और संजय दत्त के अलावा रवीना टंडन और अनंत नाग भी नजर आएंगे। खैर, आपको क्या लगता है, संजय अपने फैन के साथ काम करके खुश होंगे? तो हमें अपने जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए